नमस्कार न्यूज रूम लाइव को स्वागत करछि मु चिन्मयी। आज बीजेपी राज्यर अनेक जिल्ला रे समस्त एसपी कार्यालय सम्मुखरे विक्षोभ प्रदर्शन करूछि एवं बालेश्वर रे कंधमाल रे मध्य सुवर्णपुर रे बीजेपी पक्षरु विक्षोभ प्रदर्शन करा जैछि एसपी को कार्यालय सम्मुखरे जा चित्र मध्य आपण देखुछन्ती जे लगातार भाबरे ममिता मेहर हत्या घटना रे विरोधी माने राज्य रास्ता को लाइछन्ती। या सहित नवीन निवास घेराव मध्य गतकाली रो आपण चित्र देखिथिले भुवनेश्वर रे केमती छात्र कांग्रेस करथिला युवक कांग्रेस मध्य कटक रे विक्षोभ करथिला। या सहित बीजेपी मध्य प्रतिवाद करछि एवं या भितरे आज एसपी कार्यालय घेराव करिवार मध्य कार्यक्रम रहिछि। तबे चित्र देखुछन्ती बालेश्वर रो चित्र जे वर्तमान बालेश्वर एसपी को कार्यालय सम्मुखरे बीजेपी प्रतिवाद करुछि विक्षोभ जारी करुछि एवं वर्तमान बाबद रे अधिक चित्र देखिबा पई एवं जानिबा पई आम बालेश्वर प्रतिनिधि जोड़ी होउछन्ती आम सहित प्रकाश महंती जोड़ी होउछन्ती। प्रकाश, बालेश्वर रु कौन चित्र आसुछि, कौन कहउछन्ती वर्तमान कर्मकर्ता माने? देखो चिन्मय, ये हूँ से बालेश्वर जिला आरक्षी अधीक्षक कार्यालय चित्र आपने देखुंत बीजेपी कर्मी मैंने देखिए कैप्टेन शिक्षयित्री ममिता मेहर को हत्याकांड में संपुक्त गृहमंत्री जी अच्छा दिव्याशंकर मिश्र को तुरंत मंत्रिमंडल बहिष्कार करवा सहित गिरफ करने सहित सीबीआई तदन जो कि ममिता मेहर केस जो मैंने संपुक्त अच्छा यार तदंत जेहेतु पुलिस बाटबणा कर राज्य सरकार चाप पड़ी भारतीय जनता पार्टी तरफ पुलिस प्रशासन पक्ष व्यापक बंदोबस्त करेतु बीजेपी कर्मकर्ता मैंने जो मैंने अच्छा उत्तेजित अच्छा कि कौली भाव बारंबार राज्य में एभली घटना घटुला बेले महिला मानक निर्यातना दिखाई हत्या करपृक्ति रोचे समस्त मंत्री मान तो ए राज्य सरकार कौन पदक्षेप नौ ना तो यह विरोध कर भारतीय जनता पार्टी युव मोर्चा तरफ विभिन्न भाव विक्षोभ कर प्रतिवाद कर देखते आज्ञा आपण मैंने बारंबार से गोटे कथ आए कि राज्य सरकार जिते बड़े घटना होहिला मान प्रति अत्याचार हो राज्य सरकार वरिष्ठ मंत्री मैंने संपुक्त रोचा कितु राज्य सरकार सब जाने चुप रही पुलिस विभाग से घंट घोड़ आज सामान कथ नहीं प्रतिवाद कर बिलकुल ये सरकार एत भ्रष्ट प्रत्येक डिपार्टमेंट सरकारी डिपार्टमेंट को निज कब्जा रखी विशेष करके जिलापाल ऑफिस एवं एसपी ऑफिस बीजेडी जिला सभापति और जिला उपसभापति भाग कार्य करे नारीर सम्मान नहीं बेबिना हत्याकांड हो मामिना मेहर हो सबू जगार नारी प्रति निर्यातना बढ़ी बढ़ी चलती ये सरकार एत भ्रष्ट हो डाली खाइला पा खाइला खी खाइला सबू खाइला बर्तमान नारी खाइबा आरंभ कर तेणु भारतीय जनता पार्टी ये दिगरे सतत चेष्टा करुचु जे नारी खिया सरकार को हटेपी ए दिगरे ओडिशार जो एसपी अफिस रही हाथ बारिश विरुद्ध कार्यक्रम करुचार नारी सम्मान रखापी भारतीय जनता पार्टी अहर चेष्टा कर आज विक्षोभ करुच्ची आ शेष पर्यंत विक्षोभ को नब ए प्रत्येक गली कंदी में पहुँची लोक मध्य सचेतना सृष्टि करने सहित ये बीजेडी सरकार पतन गोटे जागृति सृष्टि कर नारी खिया सरकार बीजेडी सरकार पतन भारतीय जनता एक जागृति लोक मेरे सृष्टि कर सांघातिक अभियोग आनी ये हूँ नारी खिया सरकार अर्थात जितेबाला नारी मानकूर सुरक्षा दि जाऊना नारी मैंने न्याय पा ना गोटेपटे गाँव को काम माँ को सम्मान कथ सरकार नारा दूसरी किंतु अंपटे जो सरकारी मंत्री मैंने अच्छा सरकार मंत्रिमंडल जो मंत्री मैंने अच्छा से मैंने नारी मान शोषण कर विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी आप आज मैंने बस प्रकृत सतरे कौन आप ममिता मेहर केस आम कमी पाइबू जिते बड़े शासक दल मंत्री की मानने सब अभियुक्त घोड़ाई रखिंट आम कमी न्याय पाइबू बेंग जो चापी आई राम पाद तले सी राम कही तू आ बोली कलुनि बेंग कहला दुनिया जी मर जाए कह श्रीराम रक्षा कर जो श्रीराम का पाद तले मुझे चापी आऊँ मत रक्षा कर चुपचाप सहीगली आज जो गोटे शासक दल मंत्री अभियुक्त को ढाकुड़ रखिंट सतरे कौन आम न्याय पाइबू के ना बहिष्कार न कर आज भारत माता की जय बोली कहते सतर कौन माँ मान भी खुशी अच्छा आम आखिर लोह को किए बुझुच्छे मुझे जड़े माँ केवल एटा कौन राजनैतिक दल लोक मैंने बाहरी तो समझ कथा ममिता मेहर ओडिशा मटीर जड़े कन्या
ना सी बीजेपी ना बीजेडी ना कांग्रेस आम जन जन माँ किए न कहे ममिता बरगड़ा घटना बालेश्वर जिले न घटव कलाहांडी न घटव कटक न घटव आमको एमती आखिदृशिया दृष्टि दंड दि जाऊ श्रद्धा से मानुची मुझे तंटे चिपक मारी हाथ दीटा को छाड़ू आम हाणीदेबू आम दुर्गा है हाणीदेबू फर्दर टाइम कहीं साहस कर आखि उठे देखा हृदय कर बुझे सरकार सब तथ्य प्रमाण पाँच दिव्यशंकर मिश्र से जीवा सेठी सरकारी अनुदान दबा जितने गोविंद साहू को खसई दबा तार कोविड टेस्ट रिपोर्ट पुलिस 17 तारीख करता बेले सरकारी स्तर 18 तारीख दर्शाऊ ये सब तथ्य प्रमाण मिल सारे भी सरकार चुप रुचि कौन कारण कह कौन जे रक्षक है भक्षक हे आम मैंने कौन जुगे जुगे धरापृष्ठ राक्षस को मारवाई दुर्गा भी रूप नहीं महिषासुर को बद्ध कराइला महिषासुर को हाँ आम हबु कहीं हबु एटा कौन नारी शून्य होड़शा कौन नारी शून्य हो गोटे पर गोटे कर चलती इति श्री परी सब बड़े बीजेडी कह आईन तो बाटर के बार दौ कहीं मुझे देखाऊनी के बार दौ आईन शासक दल शुचे कहीं दल नारी नेत्री मान पचारूटा कौन एक आमरिक हामरी कौन ये न्यायटा को समस्त मागे दरकार लेडीज मैंने गले कड़े आजेडर जहाँ कह भी गोटे मुफ ना जो मैंने एक नहीं प्रचार प्रसार करते परी कथ कहते विभिन्न क्या ये कथा से आज चुप रोच कौन टी आगुरी कहीगला से मैंने सब सला सुतरा आईटा मुझे हाउस वाइफ कौन से दलर नुहे जत बारी मो प्रत्येक माँ मान को कुणे अनुकूण चैलेंज कर आह्वान करुच्छे बाहर की आसतु कहीं का झील सागर ये कहीं नब आम मैंने झील को जन्म कर सत बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आर पटे कहते बेटी मराओ दीदी आगे गोविंद सब गात खोल रखी पुटे बोली से झीटे कौन जाने दीदी पर मो जीवन दीप लिभिजी बोली सेमती हाथ को हाणवा आम तार दीटा जगह हाथ को आगे काटिक छाड़ी दबा जन माँ करी क्षोभ जैक जितेबाला एसबु कथ कर गोविंद साहु ये कार्य कर मंत्री मैंने राज्य सरकार मुखिया मैंने आंदोलन जन आंदोलन में परिणत हो जड़े साधारण माँ टीए जो भाव में प्रतिक्रिया रखुंत अत्यंत विड़म्बनार कथा जे सरकार एसबू शुणापय केमती चुप बसुंच अभियुक्त मान घंट गोड़ा सुरक्षा दि जा प्रकाश परवर्त समय आपको फेरबी वर्तमान जावा सुवर्णपुर सत्यव्रत आम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी हो सत्यव्रत सुवर्णपुर कौन चित्र आ हाँ देखो चिन्मय यही घटना को नहीं तो सारा राज्य एवं कुहलुची कहले अत्युक्ति हो नहीं सारा राज्य में असंतोष न्याय जलुची एवं विभिन्न संगठन तथा राजनीतिक दल रु बारंबार बंद डाकरा दिया जाउची बारंबार आंदोलन करा जाउची एसपी ऑफिस घेराव करा जाउची आज सुवर्णपुर जहाँ चित्र रही आप देखिपे सुवर्णपुर में बीजेपी युवमोर्चा पक्षर आंदोलन करा जाउची धारणा दि जाउची एसपी ऑफिस आगे और किसी समय पर बीजेपी कर्मकर्ता मैंने एसपी को जैसे दावीपत्र प्रदान करेंगे घेराव करेंगे अफेज तो सीधा सड़क आलोचना करवा कौन रही प्रतिक्रिया बीजेपी कर्मकर्ता सीधा आलोचना करवा कौन कह आज बीजेपी युवमोर्चा पक्ष डाकिरा दी कौन अभियोग रही कण दाबी रही आज पश्चिम ओडा कारण सारा ओडा जल्लान कि नवीन सरकार तुम पर अच्छा गोटे हत्याकारी निजे कहते मुझे हत्या करें ताकि तुरंत फासी दि जाऊ आउ जेन बड़बड़िया लोक मंत्री मैंने जाऊ से महालिंग कलेज के राति जापन करार लगी रासलीला करार लगी तुरंत बरखास्त कर यहाँ आम दाबी तार बाहर ओडिशा पुलिस उपर बिल्कुल विश्वास ना जेहेतु तर बस दिव्यशंकर मिश्र कि ओडिशा पुलिस के भी इनक्वारी ठीक से ना करें सीबीआई तुरंत दाबी करुँ जो सरकार आम दाबी नहीं सुनबे निहाती भाव आंदोलन के बहुत तीव्रतर करा जहाँ कहते आंदोलन आगामी दिन आहुरी तीव्रतर करा आज्ञा बारंबार राज्य में यह घटना घटुच्छे कि सरकार कौन से प्रकार पदक्षेप नहीं जे दोषी तार विरोध में कार्यानुष्ठान प्रकृत कार्यानुष्ठान जहाँफल एभली घटना हो देखु नवीन सरकार माने गोटे लज्जार विषय जे तांकर पूरा मंत्रिमंडल रे सबू मर्डरर रेपिस्ट आउ सब करप्ट लोक मैंने अच्छा दिव्यशंकर मिश्र जड़े बोली ना आप प्रताप जेना देखुन कि आमर अरुण साहु देखुन मैंने छुआ गोटे पाँच वर्ष छः वर्ष गोटे झीटा के नहीं किडनी बिकी कर मारिकी सब थ्रु आ गोटे मानने दुखर विषय जे से हाड़के आनी पकई दौन इने आपन जमी आमर कहले आमर युवमोर्चा प्रेसीडेट जे गोटे जड़े के मारिदेकोरी तापर जेसीबी से कंटा बाला रे खंड खंड करी काटी करी अलग अलग जगह पुड़ी करी ये करुचन माने अहंकार माने माने भीषण अहंकार तो नवीन पटनायक किसी भी गोटे इज्जत जदि अच्छे तुरंत से बरखास्त कर सबू मंत्री मानक जेन मान नाँ दाग अच्छे आउ निजे भी इस्ताफा दे दौन
ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦାବି। ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ନବୀନ ସରକାର ମାନେ ଗୋଟେ ଘୃଣା କରି ବସିଲେନ, ଆଉ ଏତାର ଜବାବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଲେକ୍ସନରେ ବି ଦିଆଯିବା। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସେ ଜଲ୍ଦି ନାଇଁ ନେଉଛନ୍ ଷ୍ଟେପ୍, ତାହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସବୁ ଲୋକ ଆସିକରି ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ। ଏବଂ ଯାହା ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣା ଅଧିକ ହେଉଛି? ଦେଖୁନ୍, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାରରେ ନାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ। ବେବିନା କାଣ୍ଡ କହୁନ୍, କୁନ୍ଦୁଳି ପୀଡ଼ିତା କଥା କହୁନ୍, ପରୀ କଥା କହୁନ୍, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମମିତା ମେହର କାଣ୍ଡ କଥା କହୁନ୍, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ବର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତାନ, ସେହି ଜାଗାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବି ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଥିଲେ, ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଯାଉଥିଲେ ଆମର ସୋନପୁରର ବିଧାୟକ, ଏବଂ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ ସେ ବି ଯାଉଥିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଏ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଯେତେବେଳେ ହେତେଲ ଯାଉଛେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୀବ୍ରତର ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବା, ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ସରକାର ଉପରେ ଆମର ଭରସା ନାହିଁ, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଉନ୍, ଏବଂ ସରକାର ପ୍ରତି ଆମର ଭରସା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବା। ଯାହା କହୁଥିଲେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଆମର ସହ ଆଉ କିଛି ମହିଳା କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ? ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି, ଧର୍ଷଣ କରାଯାଉଛି, ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ହେଉଛି, ତ ଆପଣ ମହିଳା ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖୁନ୍, ନାରୀ ଅତ୍ୟାଚାର ତ ଲାଗି ରହିଛି, 20 ବର୍ଷ ସରକାର ଭିତରେ ନାରୀ ଅତ୍ୟାଚାର ଗୋଟେ ପରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଏବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ମମିତା ମେହରଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଛେ, ସେଇ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ନାଁରେ ସେ ଦଉଛନ୍, ନାରା ଦଉଛନ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର, ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷା ନାଁରେ ନାରା ଦେଇକି ଆଜି ମମିତା ମେହରକେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍, ଆଉ ମାଆକେ ସମ୍ମାନ, ଝିଅକେ ସମ୍ମାନ ବୋଲି ନାରା ଦଉଛନ୍, ମାଆକେ ସମ୍ମାନ ନେଇ ମାଆକେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛେ। ଏ ମମିତା ମେହରକେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଯଦି ଦିଆନି ଯାଉଛେ, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ, ବିଜେପି ଦଳ ତରଫରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଘୋର ରହିବା, ଏବଂ ତାର ମା ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛନ୍, ତାର ବାପା ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛନ୍। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଯଦି ବାହା ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଝିଅ ଭଉଣୀ ଥାନ୍ତା, ସେ ଏଭଳିଆ କାମରେ ସଂସ୍ପୃକ୍ତ ନଥାନ୍ତେ? ଆଜିଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୁଇ ପଡ଼ିଛନ୍, ନେଇ ଚେତବାରକେ, ସେ ଚେତବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛେ। ଯଦି ନେଇ ଚେତାବେ, ନାଇଁ ଚେତବେ, ତ ଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେତାଇ ଦେବେ, ଏବଂ ମମିତା ମେହରଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛେ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛେ। ଏଥିରେ ଯେନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସଂସ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍, ସେହି ଫଙ୍କସନ୍ ଜାଗାକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ଏବଂ ଇ ଅଞ୍ଚଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଇନେ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରସନ୍, ମୁଇଁ ଜଣେ ଭଲ ନେତା, ଭଲ କାମ କରୁଛେ ବୋଲୁ ତାଙ୍କୁ ମୁହଁକେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗବା ଦରକାର ଅଛେ। ନାରୀ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍, ତାଙ୍କର ଝିଅ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛେ, ଇ ଜାଗାକେ ନାଇଁ ଯିବାର ଦରକାର ଅଛେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ନାଇଁ ଦିଆଯାଏ, ମହିଳା ଜାଗରଣ ଜାଗି ରହିବା, ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକେ ଦେଖାଇ ଦେବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍? ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ କେତେ ସୁଖ ରାଜ୍ୟରେ? ଆଜ୍ଞା, ସଦାବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଯାଇଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ସରକାର ଶାସନ କଲା ଭିତରେ ସଦାବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଗାଁକୁ କାମ ଲଜ୍ଜିଆର କଥା। ମୁଁ ଜଣେ ମାଆ କରି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମମିତା ମେହର ଯିଏକି ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେପରି ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍, ଯେପରି ପୋଡ଼ି ମାରି ଦେଇଛନ୍, ତାକେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ନବୀନ ସରକାର ରଖିଛନ୍, ଏବଂ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍। ଆମର ଦାବି ସଦାବେଳେ ରହୁଛେ ଏବଂ ରହିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେ ଭିତରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ମା ଜଣେ ଜାଣିବା ଦୁଃଖ, ମାଆର ହୃଦୟ ଜାଣିବା ଆମକୁ କେଡ଼େ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛେ, ଇ ଯେ ମମିତା ମେହର ଯେ ଝିଅଟାକୁ ଯଦି ଜାଲି ପୋଡ଼ି ମାରି ଦିଆଯାଇଛେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଦାବି ଅଛେ, ଯଦି ୟା ସୁଚିନ୍ତ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତର ଦାବି, ଏବଂ ଯଦି ଇଏ ବହିଷ୍କାର ନେଇ କରିବେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକେ ଫାଶୀ ନାଇଁ ଦିଆଯିବା, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନାଇଁ କରାଯିବା, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରାଟ ଏକରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ଏଇଟା ଆମେ ଚେତେଇ ଦେଉଛୁ ଆଜିକା।
आंदोलन तो हम किंतु वर्तमान केवल जे विरोधी आंदोलन करुछंती विक्षोभ करुछंती प्रतिबाद करुछंती तानुए साधारण जनतांक मनरे मध्ये ये प्रश्न वर्तमान उकी मारुछि समस्तंक मन वर्तमान आंदोलित करुछि समस्तंक मनरे जे काहे की सरकार वर्तमान सुधा चुप अछंती एवं उचित पदक्षेप नेउनाहांती। परवर्ती समय आपनो पाखकु फेरिबी आउरी मध्ये प्रतिक्रिया नबा बालेश्वर को फेरिबा प्रकाश महांतीक पाखकु। प्रकाश, वर्तमान सुधा जेहेतु बीजेपी कर्मी ठारू आरंभ कर साधारण लोक वर्तमान आंदोलन में सामिल हेले ये गोटे आग को किभ जन आंदोलन में परिणत न हो से वर्तमान प्रशासन तरफ खासकर एसपी पक्षर कि सूचना आसी पहुँचुची कि एसपी कि प्रतिक्रिया रखुं कि देखते चिन्मय पूर्व जो माँ जे कि जो झील माँ से मैंने प्रतिक्रिया दौले कि जो भाई एट बारंबार राज्य में घटना घटू सरकार चेतुना और प्रत्येक माँ मान को मैंने आह्वान कर घटना समस्त सामना को आसतु सब तो गुरुत्वपूर्ण क्या होता है राज्य सरकार जो महिला मैंने सरकार जो नारा दिखा स्माइल क्या कहतु पर क्या कहतु ये सब कहला से महिला मैंने राज्य सरकार निश्चित राज्य सरकार को दुष्ट दुर्बलता सामना को आसान प्रशासन चुप रोचान विभिन्न षड्यंत्र शिकार समाज गठन जन जन अंग विशेष आपण मान सहायता सहयोग ना सभ्य समाज गठन आपण मान कार्य दक्षतार आपण मान सीताराम प्रधान जिला परिषद सदस्य समग्र ओडिशा रे ममिता मेहर को जो भली भाव रे विभत्स भाव रे तांको स्कूल रो मुख्य परिचालक मंत्री को सहायता रे सहयोग रे जो भली हत्या करिसंती से हत्या आज समस्त को आश्चर्य कर समस्त रोमहर्षण कारी सृष्टि कर चिंताधारा आज सामग्रिक भाव साउ ओडिशा सारा समस्ते यार प्रतिवाद स्वर उठाई ममिता मेहर को किभली भाव न्याय दिजिव एवं मंत्री को गृहमंत्री दिव्यशंकर मिश्र को मंत्री पदर बहिष्कार कर नवीन सरकार चुप ही बस सामग्रिक भाव आज नवीन सरकार को समस्त आक्षेप कर चाप पकड़ भाव मंत्री को बहिष्कार करा जाओ द्वारा केवल युवक नुहत जो वरिष्ठ नागरिक मैंने सामान क्या कहते जिते बार सरकार जानते सरकारी बाबू मैंने संप्रत अच्छा पुलिस प्रशासन एहयोग करपर कहीं कार्यानुषान ना ये कथ को आप बारंबार उठुंत आपण मैंने बुझुच्च साधारण जनता से सामने कि प्रशासनिक अधिकारी मैंने सरकार क्या माने कह मंत्री मैंने प्रशासन रो मुखपात्र माने जो कथा कहते मु बुझिपारुनी जे गोटे स्कूल गोटे कॉलेज रो मुख्य जी कि मर्डर आसामी से स्कूल टा कॉलेज टा किमी आज पर्यटन रही जे मोदी आमर जोगी शासन था जे अनुष्ठान मुख्य जन मर्डर आसामी जान ला हे तो मुझे भावुँ से बोलडोजर लगे से मूलर से कॉलेज को माने शमशान कर दे था कि ये जो सरकार आमर ये लोक मान जो साज्य पाँच जो माँ भौणी मान इज्जत कथा कहते से माने मटी मिशन यार परिकल्पना आम कौन करें खाली न्याय अन्याय विरोध में जहाँ स्वर उत्तोलन करवा छड़ा आम पाखे कौन अच्छे आ जो नवीन पटनायक शासन
ये लोक मान को माँ मान को झे मान को भौणी मान को किभली भाव सम्मान दौर जनसाधारण देखुं जानुं कौबे नवीन पट्टनायक सरकार जो गाँव को काम माँ को सम्मान कथा कौन तो से स्पष्ट जना पड़े कौबे मुख्यमंत्री माँ को सम्मान दौंस नारी मान को उचित न्याय दूसरी आज्ञा जिला सभापति हिसाब से आप बारंबार ये कथ को उठे कि राज्य में आयुष फल विपर्यस्त नारी मैंने सुरक्षित नुहतर क्या कहतु से आंदोलन को नहीं आज ममिता मेहर कथा नहीं न्याय मिलूनी आप दावी करते पर्यटन कैप्टेन दिवसीय मंत्रिमंडल थे न्याय मिल पार नहीं बा ठीक न्याय दिग हरा ये कथ को बारंबार उपस्थापन कर सरकार कितु कर्णपात कर देखु ये केवल वर्तमान भारतीय जनता पार्टी पाखे सीमित नहीं ए वर्तमान साधारण जनता आवाज हो जाइए एवं निश्चित भाव में ये सरकार को एक शुणा को पड़ो एवं ममिता को न्याय निश्चित भाव में मिल कारण वर्तमान ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी केवल माध्यम है ये साधारण जनता ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी तार नेतृत्व नौ आगामी दिन में प्रत्येक गाँव में यह भाई आवाज उठब जनसाधारण उठे निश्चित भाव में ये सरकार एक शुण ये भ्रष्ट सरकार ए दुर्नीतिग्रस्त सरकार ए आईन को न मानुवा सरकार निश्चित भाव आईन को मानवे एवं निश्चित भाव में कार्यानुष्ठान ग्रहण करेंगे जिते पर्यंत कार्यानुष्ठान ग्रहण न करेंगे सेते पर्यंत भारतीय जनता पार्टी ये आंदोलन को चालू रखिबो एवं लोक मान सचेतन करेब पुलिस न्याय ठीक से दौने ये निश्चित भाव में यहाँ खुला कथा शासक दल चापरे ए सरकार ए प्रशासन अच्छी ए पुलिस विभाग अच्छी कारण 22 वर्ष धरिकी जो शासन दौंस लोक मानी पुलिस प्रशासन राजनीतिक दल चापरे ही काम करुछि खास कर सरकारी दलर चापरे रही जो कि सब सत को न्याय को दिगहरा करदन को दिगहरा कर सत सामना को आसुना प्रकाश परवर्त समय आपको फेर भी सत्यव्रत पाखक जावा सत्यव्रत जदि देखा घंटे ऊर्ध समय हो गला एसपी कार्यालय सम्मुखें एमने प्रतवाद करो माँ मान स्वर आम शुणु प्रतिक्रिया शुणुलु जे कम से कम समस्त मनरे वर्तमान क्षोभ जे सरकार कहीं शुणुना कथा जे जेते बड़े आज पर्यंत एमाने कर्णपात करूना कौन प्रकार आक्शन निया विश्वास अच्छी जे सरकार शुणे बोली कारण वर्तमान तो जन आंदोलन में परिणत होगा देखु लोकंर भरोसा तुटि जाए बर्तमान राज्य सरकार पुलिस विभाग पर जो गाँ गाँव रू आंदोलन आरंभ है केवल राजनैतिक दल नुहे समस्त जनसाधारण मध्य अतिष्ठी आप गत काली देखी मेहर समाज अच्छा जो मेहर समाज पक्षर बीर महाराजपुर आंदोलन कर दावीपत्र प्रदान कर तो घटना केवल राजनैतिक दल से सीमित नहीं केवल विरोध राजनैतिक दल करूना साधारण लोक विरोध एवं प्रतिवाद स्वर आरंभ है तो आउ जन सीधा सीधा साल आलोचना करवा केमी रही आंदोलन आज कह वर्तमान राज्य में कि आईन परिस्थिति रही जो घटना घटी सरकार केते गंभीर सह नौ देखु ओडिशा रे वर्तमान आईन श्रृंखला परिस्थिति संपूर्ण भाव में भुशुड़ जाइए महिला शिशु मान अन्याय अत्याचार चरम सीमा के पहुँची ता निछक उदाहरण है ममिता हत्याकांड ममिता के जेन प्रकार नृशंस भाव में अमानुषिक भाव में हत्या करागला तार उदाहरण विरल एवं इ हत्याकांडर पछरे क्षमतासीन दलर बहुत पावरफुल लोक मैंने अच्छा किंतु वर्तमान तक इ तदंत इ घटनार पर्दाफाश कर बदले ताके चपावार व्यवस्था कराई से लगे आमर दाबी होचे जे इतार सीबीआई द्वारा तदंत करा जाऊ एवं इ हत्या घटना रे संप्रुक्त क्षमताशाली व्यक्ति मानको क्षमतारू अपसारित करी सेनको गिरफ करा जो इ दाबी रे आम सोनपुर जिला बीजेपी युवमोर्चा तरफ आज एसपी को ऑफिस सामने आम धारणा देचू एवं दावीपत्र देवा लगे आस जहाँ कहते जेहेतु शासक दल क्षमताशाली मंत्री मैंने संप्रक्त अच्छा जेहेतु से तदंत को बाटगणा करकृत जे अभिजुक्त अच्छा से जे आसामी अच्छा प्रकृत सब समय सब घटना से प्रकृत आसामी धरा पड़ी ना जहाँफल दिनकू दिन घटना बढ़वे लगी जते समय बढ़ुची आंदोलन से अधिक देखा मिलूँ लोक मैंने अधिक लोक सामिल होती आंदोलन में
जन आंदोलन में परिणत होगा। विरोधी माने एकजुट होती समस्त स्वर वर्तमान समान हो राज्य सरकार विरोध में, किंतु सरकार कर्णपात करूना जो कि समस्त मनरे प्रश्न जे कहीं सरकार एभली अभियुक्त मानक सुरक्षा देखते। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत आपंकर तमाम चित्र और आलोचना बालेश्वर प्रकाश मध्य आम प्रतिनिधि जोड़े आपन को धन्यवाद जन आपर तमाम आलोचना। तो आप देखुं जे आज सारा राज्य में बीजेपी पक्षर सारा राज्य समस्त जिलार एसपी कार्यालय सम्मुखे बीजेपी आज प्रतिवाद करुच्ची विक्षोभ करुच्ची। केवल बीजेपी कर्मकर्ता से उपस्थित नहांती, आम आपन को चित्र देखाउथिलु जे साधारण जनता मध्य एथिरे शामिल होइछंती। बालेश्वर रो जणे मा तांकर क्षोभ प्रकाश करूथिले जे सरकार को लेकिन निज मनरे कौन सब प्रश्न रही से कथा मध्य से कहते जे से एक कहते मुसी राजनैतिक दल रु ना कांग्रेस रो ना बीजेपी रो कौन राजनैतिक दल सहित संपर्क नहीं, किंतु गोटे माँ हिसाब से गोटे महिला हिसाब से मो मन प्रश्न आसुची जे सरकार कहापाई एवं नारी मानक जिते बड़े सरकार सुरक्षा दे पारना से नारी को सम्मान देवार कथा कहते। ये चित्र पूरा रही बालेश्वर एवं सुवर्णपुर। आज बीजेपी समस्त जिलार एसपी कार्यालय सम्मुखे आग को विक्षोभ कर कार्यक्रम रही समय सूची। बर्तमान न्यूज रूम लाइव ट्विट रखु। नमस्कार।